Hello everyone, I welcome you all once again to my channel Explore Education and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad and it is my email ID. And the lecture which I am going to discuss today is Arthur Jensen's View on Intelligence. Do subscribe my channel to get all my videos and my future videos too, and this video will be very useful for various teaching examinations as intelligence is the most hot topic to be asked in examinations. Okay, so let's start. First of all, intelligence पर हम लोग बात कर चुके हैं. Intelligence का topic मैं अपने end से end कर चुकी थी, लेकिन intelligence एक ऐसा topic है जिस पर इतने मनोवैज्ञानिकों ने बात की है, इतने उसके पक्ष हैं जो उजागर होने बाकी हैं या उजागर हो चुके हैं और इतने you can say popular नहीं है कि कुछ ना कुछ रह जाता है intelligence के बारे में. और जैसे मान लीजिए कि जेनसेन है ना, इसका ये बहुत बहुत वेरी लेस पॉपुलर इन फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस. बहुत कम लोग इनको जानते होंगे कि आर्थर जेनसेन ने कुछ इंटेलिजेंस पे कहा है, बिकॉज क्योंकि ये सिलेबस में नहीं रहता है जनरली, तो विदाउट सिलेबस की चीजें हमको कैसे पता चलेंगी, नहीं पता चलती हैं. लेकिन इतना साधारण सा व्यू, बहुत ईजी, बहुत छोटा सा, स्मॉल सा, सिंपलिस्टिक एक इनकी अप्रोच है जिन्होंने बताई है. लेकिन यही अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो हम इसका उत्तर इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमने इनको कभी पढ़ा ही नहीं है. और अगर हम इनको पढ़ेंगे तो बहुत आसान सी बातें इन्होंने कही हैं, तो सिर्फ जानकारी का अभाव होने की वजह से, हमने इनको जाना नहीं है, इसकी वजह से हमारा सवाल नहीं हो पाएगा या गलत हो जाएगा. तो और ये बात जरूर बताने के लिए, इंटेलिजेंस एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है और इतने मनोवैज्ञानिकों ने इसको एक्सप्लोर किया और अभी तक ये अनएक्सप्लोर्ड है. अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि हम इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से जान गए. इसीलिए और भी भविष्य में कितनी थेरीज आ जाएंगी इंटेलिजेंस पर, कितना कुछ और हम उसके बारे में नया जान जाएंगे, ये नहीं कहा जा सकता है. तो आज का ये टॉपिक फिर से ये इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा. और ये ऑथर रॉबर्ट जेनसेन को हम नहीं जानते थे कि इन्होंने इंटेलिजेंस पे क्या कहा है, तो इनको भी जान लेते हैं. ऑथर रॉबर्ट जेनसेन थे कौन? वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड राइटर. ये अमेरिकन मनोविज्ञानी और लेखक हुए हैं. ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे. एंड why he was known for, किस लिए जाने जाते हैं? For his work in psychometrics and differential psychology, the study of how and why individuals differ behaviorally from one another. तो ये study कर रहे थे कि क्यों individuals एक दूसरे से different behave करते हैं. He was a major proponent of the hereditarian position in the nature and nurture debate. देखिए, हम लोग nature and nurture debate पे भी बात कर चुके हैं और ये बहुत old age debate है कि nature यानी कि प्रकृति मनुष्य की उसको ज़्यादा प्रभावित करती है, उसका ओवरऑल डिटर्मिनेशन करती है कि उसकी क्या इंटेलिजेंस, क्या पर्सनैलिटी, क्या मेकअप होगा, या नर्चर. नर्चर मतलब पोषण. पोषण मतलब जो उसको वातावरण से मिल रहा है, हम किस तरीके का उसको एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उसके माता पिता कैसे हैं, उसका खान पान कैसा है, उसके केयर गिवर्स कैसे हैं. और नेचर मतलब वो जो लेके इनहेरिटेड है, जो उसको माँ बाप की प्रकृति से मिला है, जो उसके जीन्स में है उसके साथ. तो ये बहुत एज लॉन्ग डिबेट है और बाद में ये कल्बिनेशन इस तरह से होती है कि बोथ हैव देयर रोल, है ना. लेकिन जो ये ऑथर रॉबर्ट जेनसेन है, ये कहते हैं हेरिडिटेरियन पोजीशन पर ये बल देते हैं. मतलब कहते हैं कि हेरिडिटी प्लेज अ मोर इम्पॉर्टेंट रोल. यही कह रहे हैं ना, द पोजीशन दैट जेनेटिक्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन बिहेवियर ट्रेट सच एज इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी. ये कह रहे हैं कि हम उसी हिसाब से बुद्धिमान होते हैं और उसी हिसाब से हमारी व्यक्तित्व होता है जो हमको हमारे माता पिता से मिलता है. मतलब वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, उसका रोल ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिबस्त की हमारे यहाँ को किस तरीके का वातावरण मिल रहा है. जेनसेन वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल लार्जली फॉर हिज कंक्लूजन रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ रेस बेस्ड डिफरेंसेज इन आईक्यू. जब ये रेस बेस्ड डिफरेंसेज कर देंगे आईक्यू में, कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर रेस है उसका आईक्यू ज्यादा है और कोई पर्टिकुलर रेस है उसका आईक्यू कम है, क्योंकि हमने जेनेटिक्स से ही हमको ये मिला है, तो जबर मतलब लाजमी है कि इस पर विवाद होगा. तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल रहे. और एक 2019 में की हुई स्टडी ये बताती है हिम टू बी द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इंटेलिजेंस रिसर्चर अमंग 55 पर्सन्स कवर्ड. 55 लोगों को अगर हम तुलना करते हैं तो उसमें ये मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पाए जाते हैं. तो बात ही इनकी ऐसी, बड़ा अच्छा सा लास्ट में टर्म निकल के आएगा, एकेडमिक रेसिज्म. एकेडमिक रेसिज्म के जनक हैं एक तरीके से ये, ठीक है. तो जानते हैं क्या कहा इन्होंने, डेफिनेशन कैसे दे रहे हैं इंटेलिजेंस की. ये कह रहे हैं कि अ वर्किंग डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस देन इज दैट इट इज द जी फैक्टर ऑफ एन इंडेफिनेटली लार्ज एंड वेरीड बैटरी ऑफ मेंटल टेस्ट. मतलब हमको ये समझ में आ गया कि ये भी स्पीयरमैन से प्रभावित है. क्यों? क्योंकि स्पीयरमैन का जी फैक्टर बहुत सारी थे
हार्डली कोई ऐसी थ्योरी है जो जी फैक्टर और एस फैक्टर को कहीं ना कहीं से उससे प्रभावित नहीं है, है ना। तो जी फैक्टर क्या कहता है कि जो एक जी है हमारा जो जनरल फैक्टर है वो सभी एबिलिटीज में यूज होता है। तो ये कह रहे हैं वी आर फोर्स्ड टू इन्फर दैट जी इज ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन रियल लाइफ बाय द फैक्ट दैट जी कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द टोटल वेरियंस इन ऑल स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस और आई क्यू। ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस की जितने भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट बने हैं, आई क्यू हम नापते हैं, उसका सब बहुत मेजर पोर्शन जो है कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस का वो जी फैक्टर है। इन द सेम वे जी इज बाई फार द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ वेरियंस इन स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट, चूंकि और इसीलिए जी जो है जो हमारा जनरल फैक्टर है जो जनरल इंटेलिजेंस है वही ये डिटरमिन करता है कि हम स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट मतलब स्कूल विद्यालय पढ़ाई में हमारा कैसा अचीवमेंट रहेगा। तो इस तरह से ये इंटेलिजेंस को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब साफ समझ में आ रहा है कि ये स्पीयरमैन से प्रभावित है, स्पीयरमैन के जी फैक्टर से। ठीक है, फिर मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, यही खास है इनकी थ्योरी का। इन्होंने हमको एक हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया और जिसमें कहा कि ये जो इंटेलिजेंस है ये जो बुद्धि है वो दो प्रकार की योग्यताओं से बनी है। इन्होंने कहा कि आर्थर जेंसन प्रपोज्ड अ हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्टिंग ऑफ एबिलिटीज ऑपरेटिंग एट टू लेवल्स। ये कह रहे हैं कि ये जो योग्यताएं हैं वो दो स्तर पर काम करती हैं, लेवल वन एंड लेवल टू। हायरार्की बता रहे हैं ना, लेवल वन एंड लेवल टू। तो लेवल वन जो है, लेवल वन इज एसोसिएटिव लर्निंग इन विच आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट। मतलब कि जो हमारा लेवल वन है उसको इन्होंने एसोसिएटिव लर्निंग नाम दिया और ये कह रहे हैं कि इसमें जो आउटपुट निकल कर आता है वो मोर और लेस इनपुट के ही सिमिलर होता है। मतलब कि प्रोसेसिंग का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, जो इनपुट है वही आउटपुट है। जैसे रोट लर्निंग हमने याद कर लिया, हमने उसमें कुछ संज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया, हमने कुछ मेमोरी है ना। लेकिन जो लेवल टू है, लेवल टू इज कॉल्ड कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। जैसे ही कॉग्निटिव शब्द आ जाएगा वैसे ही ब्रेन प्रोसेसिंग परसेप्शन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और सारा का इंक्लूजन हो जाएगा। ये हम लोग इतने दिनों में जान चुके हैं एंड इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर स्किल्स और हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी एज दे ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटपुट। और जैसे ही प्रोसेसिंग का रोल आएगा वैसे ही इनपुट जो होगा वो कुछ इफेक्टिव आउटपुट के रूप में निकलेगा। तो इन्होंने लेवल वन एबिलिटी को कहा एसोसिएटिव लर्निंग विच कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी रोट लर्निंग अटेंशन एंड सिंपल एसोसिएटिव स्किल्स। और लेवल टू को ये कह रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग, यानी कि दो लेवल हो गए, लेवल वन एसोसिएटिव लर्निंग, लेवल टू कॉग्निटिव लर्निंग विच कंसिस्ट ऑफ। और ये जो कॉग्निटिव लर्निंग है ये किससे बना है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सिंबॉलिक थॉट कंसेप्चुअल लर्निंग एंड यूज ऑफ लैंग्वेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि हायर ऑर्डर एचओटीस में इन्वॉल्व हो रहे हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। और जो आपका एसोसिएटिव लर्निंग है उसमें लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इन्वॉल्व हो रहा है। फिर ये क्या कह रहे हैं, यहीं तक इन्होंने नहीं कहा, ये कह रहे हैं ही आर्ग्यूड, इन्होंने तर्क दिया अपने अनुसंधानों से रिसर्च से प्रूव किया कि लेवल वन एबिलिटी जो है एसोसिएटिव लर्निंग इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल रेशियल एंड नेशनल ग्रुप्स। मतलब कि किसी भी रेस का व्यक्ति हो किसी भी नेशन का हो उसमें जो कि हमारा लेवल वन है वो तो लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसके विपरीत जो लेवल टू है दैट इज कॉग्निटिव लर्निंग इज कंसेंट्रेटेड मोर ऑन द मिडिल क्लास एंग्लो अमेरिकन पॉपुलेशन दैन इन द लोअर क्लास ब्लैक पॉपुलेशन। तो इन्होंने इसीलिए तो एकेडमिक रेसिज्म के जनक कहे जा रहे हैं ना कि इन्होंने श्वेत और अश्वेत के बीच में देखिए झगड़ा करा दिया। ये कह रहे हैं कि जो श्वेत जनता है जो श्वेत जनसंख्या है एंग्लो अमेरिकन पॉपुलेशन है उसमें जो लेवल टू वाला जो फैक्टर है वो ज़्यादा बढ़िया है ज्यादा मात्रा में अच्छा पाया जा रहा है लेकिन जो ब्लैक पॉपुलेशन में कम पाया जा रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि ये जो आपकी इंटेलिजेंस है वो इनहेरिटेड है, यानी कि एज इट इज ब्लैक पॉपुलेशन में जब बच्चे उनकी संतति पैदा होगी वो उसी तरह से जीन्स एक्वायर कर दी जाएगी तो इसलिए वो लेस इंटेलिजेंट है और ये मोर इंटेलिजेंट है। इसीलिए ये विवादित मुद्दा है सिंस लेवल टू एबिलिटीज अपीयर टू बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन स्कूल। भाई हमको सक्सेस के लिए क्या चाहिए, सिर्फ रोट लर्निंग मेमोरी से तो चलना नहीं, कुछ ना कुछ हमको अटेंशन प्रॉब्लम सॉल्विंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की जरूरत पड़ेगी। और लेवल टू किस में बढ़िया है इनके हिसाब से, एंग्लो अमेरिकन में बढ़िया है। इसलिए ये कह रहे हैं कि स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट भी उन्हीं का बढ़िया होता है। यही कह रहे हैं सिंस लेवल टू एबिलिटीज अपीयर टू बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन स्कूल व्हाइट एंड एशियन चिल्ड्रन आर एट एन एडवांटेज। तो जो श्वेत और एशियन बच्चे होते हैं वो एक अपर एज पे रहते हैं जबकि ब्लैक पॉपुलेशन जो है वो लोअर एज पे रहती है बिकॉज ऑफ द लो variance of cognitive level, cognitive learning of level 2। और खास बात यह है कि ये inherited भी है, अगर inherited नहीं होती तो चलिए एक जनसंख्या में दूसरी जनसंख्या में हो नहीं हो इसकी कोई
श्योरिटी नहीं है, लेकिन चूंकि ये इनहेरिटेड है इसलिए संतति दर संतति यही होता जा रहा है। ये इनका मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है, ये इनका व्यू पॉइंट है ऑथर रॉबर्ट जेनसन का बुद्धि पर। ओके, फिर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जेनेटिक्स एंड एजुकेशन, एजुकेबिलिटी एंड ग्रुप डिफरेंसेस, बायस इन मेंटल टेस्टिंग, स्ट्रेट टॉक अबाउट मेंटल टेस्ट। वन मिनट, ये छूट गया शायद बीच में, आई एम सो सॉरी। हाँ, ये बीच में एक स्लाइड छूट गई, मैंने कहा कि अब तो खत्म होने जा रहा है। जेनसन ने इंटेलिजेंस पे क्या कहा, ऑथर जेनसन इमर्जेंस एज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस थियरी अकर्ड इन फेब्रुवरी ऑफ 1969। मतलब 1969 में ये एक आर्टिकल लिख रहे हैं, पब्लिकेशन ऑफ ए कॉन्ट्रोवर्शियल एसे इन द हार्वर्ड एजुकेशनल रिव्यू। हार्वर्ड एजुकेशनल रिव्यू में 1969 में ये एक आर्टिकल लिखते हैं और यहीं से ये इमर्ज होते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की थियरी में एक इम्पॉर्टेंट फिगर के रूप में। और देखिए टाइटल क्या है इनके आर्टिकल, How can we boost IQ and scholastic achievement? तो अपने आप में बहुत कैची है, बहुत जैसे लग रहा है कि हमें बहुत कुछ इससे नया जानकारी मिल सकती है कि हम कैसे IQ को और scholastic achievement को बढ़ा सकते हैं। और इसमें ये क्या evidence दे रहे हैं? Jensen presented evidence that racial differences in intelligence test scores may have a genetic origin। देखिए ये चीज जो है वो नई है, इसके पहले नहीं कही गई। ये कह रहे हैं कि जो व्हाइट एंग्लो अमेरिकन और जो आपके ब्लैक पॉपुलेशन है उसमें जो अंतर आ रहा है उसका उनके जो इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स में अंतर आ रहा है उसका जो ओरिजिन है वो जेनेटिक है। दिस हैज रिवाइव्ड द एज ओल्ड डिबेट ऑन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स इन डिटरमिनिंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। और इसने बहुत पुराना मुद्दा ये उजागर कर दिया, फिर से पुनर्जीवित कर दिया कि जो हमारी बौद्धिक योग्यता है उसमें इंटेलिजेंस का ज्यादा रोल है या सॉरी जेनेटिक्स का ज्यादा रोल है या पर्सनल जेनेटिक्स का ज्यादा रोल है या इन्वायरमेंट का। तो ये कह रहे हैं कि जेनेटिक्स का ज्यादा रोल है। तो यहाँ से ये मुद्दा फिर से उठता है 1969 में जब ये आर्टिकल पब्लिश होता है इनका, कौन सा, हाउ कैन वी बूस्ट आईक्यू एंड स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट। फिर डिस्पाइट द कॉन्ट्रोवर्शियल नेचर ऑफ हिज क्लेम्स, भाई बहुत बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल नेचर है ये, बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है, लेकिन इसके बावजूद जेनसन 2003 में एक प्रेस्टिजियस किसलर प्राइज जीतते हैं। किसके लिए? फॉर ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन जीनोम एंड ह्यूमन सोसाइटी। मतलब इन्होंने ये कम से कम इनका ये ओरिजिनलिटी थी कि इन्होंने ये बताने की कोशिश की, कितना सही कितना गलत इस पर नहीं जाएंगे हम, लेकिन बताने की कोशिश की कि ह्यूमन जीनोम और ह्यूमन सोसाइटी में भी कोई कोरिलेशन हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है। ओके, तो इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए वो किसलर प्राइज जीत रहे हैं 2003 में, और इनका आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो रहा है 1969 में। कहां पब्लिश हो रहा है? हार्वर्ड एजुकेशनल रिव्यू में। टाइटल क्या है? हाउ कैन वी बूस्ट आईक्यू एंड स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट। ये स्लाइड बीच में छूट गई थी, वही मेरे दिमाग में आया कि कुछ रह गया। फिर मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, फिर बुक्स ऑफ ऑर्थर जॉनसन, मतलब कि जेनसन, कई किताबें इन्होंने लिखी कि जेनेटिक्स एंड एजुकेशन लिख रहे हैं, एजुकेबिलिटी एंड ग्रुप डिफरेंसेस, बायस इन मेंटल टेस्टिंग, स्ट्रेट टॉक अबाउट मेंटल टेस्ट। क्यों मेंटल टेस्टिंग पे ये लिख रहे हैं? क्योंकि ये बात करेंगे ना कल्चर फ्री टेस्ट की, कल्चर फेयर टेस्ट की। हम तो बात करते हैं कि टेस्ट जो है वो कल्चर फ्री होता है, कल्चर फेयर होना चाहिए, यानी कि किसी भी कल्चर का व्यक्ति उसको करे तो उसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर अंतर आ रहा है तो इस तरीके की बातें इन्होंने, निश्चित रूप से कई मूल्यवान किताबें होंगी। Then, हम इन पर देंगे कंक्लूडिंग रिमार्क कि क्या कहें हम ओवरऑल आर्थर जेनसन को। तो अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि जेनसन साहब कह रहे हैं, जेनेटिक डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस एग्जिस्ट अमंग पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रेसेस, नेशनैलिटीज एंड सोशल क्लासेस। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा कोई वातावरण, हमारा कोई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो हमारी इंटेलिजेंस को प्रभावित कर रहा है। ये कह रहे हैं कि हमारी जाति, राष्ट्रीयता और हमारा वर्ग प्रभावित कर रहा है कि हम किस बुद्धि को रखते हैं, और ये इनहेरिटेड भी है। जेनसन ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडीज बिलीव दैट जेनेटिक फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर वंस इंटेलिजेंस। और ये अपनी रिसर्चेस के आधार पर, अपनी अध्ययन के आधार पर ये विश्वास रखते थे और बोला इन्होंने कि जो आनुवंशिक कारक हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं बजाय कि आपके वातावरणीय कारक से। किसके लिए? किसी की भी निर्धारित करने के लिए। Then, Jensen claimed on the basis of his research that general cognitive abilities essentially an inherited trait. इसके पहले देखिए कोई भी नहीं कह रहा है कि cognitive ability inherited trait है, determined predominantly by genetic factors rather than by environmental conditions, है ना? इतनी शिद्दत से कोई नहीं कह रहा है, लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है personality,
बार बार पर्सनैलिटी आज दिमाग में आ रही, कोई कह रहा है कि इन्वायरमेंट का ज्यादा रोल है, कोई कह रहा है कि जेनेटिक्स का ज्यादा रोल है, बट ये कह रहे हैं कि नहीं, जेनेटिक्स का ही रोल है ज्यादा। कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो इनहेरिटेड ट्रेट ही है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो रेशियल पॉपुलेशन में अंतर आया है इंटेलिजेंस के टेस्ट स्कोर की वजह से, वो उसका रीजन यही है। देन ऑर्थर जेनसन वॉज आर्ग्यूएबली द फादर ऑफ मॉडर्न एकेडमिक रेसिज्म। ये शब्द मुझे सबसे अच्छा लगा, एकेडमिक रेसिज्म, मतलब शैक्षिक ये जो रेसिज्म का जो कंसेप्ट उभर के आ गया कि नहीं, आप अमेरिकन पॉपुलेशन है, अगर श्वेत हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे और अश्वेत हैं तो आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट आपका डिफर करेगा, वो उसके एक तरीके से जनक कहे जा सकते हैं। फिर जेनसन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीसेलेक्टिंग द आइडिया दैट द ब्लैक पॉपुलेशन इज इनहेरेंटली एंड इम्यूटेबली लेस इंटेलिजेंट। इन्होंने कह दिया ना, इन्होंने तो करार दिया कि जो अश्वेत जनसंख्या है वो कम बुद्धिमान है और जो श्वेत जनसंख्या है वो ज्यादा बुद्धिमान है। एन आइडियोलॉजी दैट इमीडिएटली बिकेम नोन एज जेनसनिज्म। इसीलिए जो इनकी ये विचारधारा थी, जेनसन के नाम पे इसको जेनसनिज्म नाम दिया गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा सा है, आसान है कि जेनेटिक फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहली बात। दूसरी बात, हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है, दो लेवल है, लेवल वन लेवल टू। लेवल वन जो है वो एसोसिएटिव लर्निंग है, जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी और आपका रोट लर्निंग और मेमोरी की बातें की जा रही है, और लेवल टू जो है वो कॉग्निटिव लर्निंग है, उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इन्वॉल्व है, वो ज्यादा रोल प्ले कर रहा है स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट में। और सबसे खास बात कि जो लेवल वन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल रेसेस और नेशनैलिटीज में एक समान है, जबकि लेवल टू का ऐसा नहीं है, इसीलिए अंतर आता है। और ये अंतर वंशानुगत भी है, अकॉर्डिंग टू जेनसन, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ये टॉपिक हम लोग शायद ही कभी किसी ने जेनसन को, मतलब मैंने तो नहीं सुना था इसके पहले कि जेनसन भी कुछ कह गए हैं बुद्धि पर, बहुत लोग बहुत कुछ कह गए हैं। तो जैसे जैसे बीच में कुछ कुछ छूटा मैटर मिलता रहेगा, उसको मैं इंटेलिजेंस में ऐड करती जाऊंगी, ताकि ये एक अपने आप में कंप्लीट प्लेलिस्ट बन जाए इंटेलिजेंस की। ओके, एंड जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप टू, डन फ्रॉम माई सेट।